चाइना और पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले कितनी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है? अर्जुन टैंक को इंडियन आर्मी अभी क्यों इंडक्ट नहीं कर रही है? नए मैप को मंजूरी मिलते ही नेपाल के लोगों ने इंडो नेपाल बॉर्डर के जो नो मैन लैंड है वहां पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। और क्या आपको पता है कि आखिरी बार कब इंडिया और चाइना के बॉर्डर में फायरिंग एक्सचेंज किया गया था और इसमें किसको कितना नुकसान हुआ था? अगर आप 1962 या 67 के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अर्जुन टैंक को लेके है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर वक्त ऐसा होता है जब आप लोग मुझको खबर के साथ जोड़ देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको वही न्यूज देता हूँ जो कि ऑफिशियल अपडेट होता है या फिर उसको मीडिया में पब्लिश किया जाता है, और मैं उन सभी को कलेक्ट करके आपको बताता रहता हूँ, जिसमें ज्यादातर मेरा पर्सनल ओपिनियन मौजूद नहीं होता है। और अगर कहीं पर भी मेरा पर्सनल ओपिनियन रखता हूँ तो मैं पहले से इसके बारे में आपको बता देता हूँ। और ये सब बातें मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अर्जुन टैंक को लेके जो अपडेट है थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो इसमें मुझे इन्वॉल्व मत कीजिएगा। अभी हमारे कुछ टॉप डिफेंस साइट है जिनके मुताबिक भारत की जो 3 डिफेंस फोर्सेस है उन सबके मुकाबले इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा मात्रा में इम्पोर्टेड वेपन का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो राइफल हो या फिर टैंक हो। अगर इंडियन आर्मी की वेपन्स की बात करें तो ऐसे बहुत कम चीजें जिनको इंडियन आर्मी इम्पोर्ट नहीं करता है। अगर वहीं पर एयरफोर्स या फिर नेवी की बात करें तो काफी हद तक इंडियन सिस्टम के ऊपर ये शिफ्ट हो चुके हैं। वक्त ऐसा था जब इंडियन एयरफोर्स में लगभग 100% तक इम्पोर्टेड फाइटर जेट मौजूद थे, लेकिन अभी 2 से 3 नए इंडियन फाइटर जेट आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना शुरू हो जाएगी। और लगभग 20 से 30 सालों के बाद हमारी फ्लीट में 60% से ज्यादा फाइटर जेट इंडियन मेड होने वाले हैं। हेलीकॉप्टर फ्लीट की बात करें तो तब भी इंडियन एयरफोर्स में आगे चल के काफी सारे इंडियन मेड हेलीकॉप्टर शामिल होने वाले हैं। वहीं पर अगर आर्मी की आर्म्ड कोर की बात करें तो इसमें अब तक सिर्फ 114 अर्जुन टैंक को शामिल किया गया है। अभी अर्जुन टैंक की MK1A वेरिएंट भी तैयार हो चुकी है और इसमें काफी सारे इम्प्रूवमेंट किए गए थे और ये सारे टेस्ट को अभी क्लियर भी कर चुका है, लेकिन अभी भी इंडियन आर्मी की तरफ से बल्क में इनको इंडक्ट नहीं किया जा रहा है। और अभी भी इंडियन आर्मी अर्जुन मार्क 2 का इंतजार कर रहा है जो कि थोड़ा हल्का हो। पर अगर यूएस की अब्राहम टैंक के साथ अर्जुन टैंक को कंपेयर किया जाए तो उनकी वेट में काफी ज्यादा अंतर हमको देखने को नहीं मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा वहां पर 1 से 2 टन का फर्क हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमारे T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए भी हम फॉरेन टैंक्स को ढूंढ रहे हैं और रशिया से एडिशनल T-90 टैंक्स को भी अभी खरीदा जा रहा है, पर आर्मी अर्जुन टैंक को क्यों नहीं खरीद रही है? और अगर ज्यादा प्रेशर यहां पर डाला जाएगा तो सिर्फ लिमिटेड नंबर में इनको खरीद लिया जाएगा और बाद में बल्क में रशियन टैंक को खरीद लिया जाएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं DRDO को ठेस पहुंचा रही है क्योंकि वो लोग दिन रात मेहनत करके अर्जुन टैंक को तैयार किए हैं, लेकिन उसको बड़ी मात्रा में इंडियन आर्मी में इंडक्ट नहीं किया जा रहा है। अगर हमको सच में आत्मनिर्भर बनना है तो अर्जुन टैंक के लिए भी इंडियन आर्मी में जगह बनानी पड़ेगी, जिस तरीके से तेजस और एमका के लिए इंडियन एयरफोर्स में जगह बनाया गया है। अगला अपडेट भारत और नेपाल को लेके, ENS में एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की पार्लियामेंट में उनकी नई मैप को पेश करने के बाद अभी नेपाल के लोग बॉर्डर एरिया में जो नो मैंस लैंड होता है उस पर कब्जा करना शुरू कर चुके हैं। SSB की 39 बैटालियन की तरफ से इस बात को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा गया था कि नेपाल के लोग अभी यूपी की लक्ष्मीपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में नो मैन लैंड्स के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और जब से नेपाल की नई मैप का जिक्र किया गया है तब से नेपाल के लोग बॉर्डर में आके प्रेशर डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। और नेपाल की तरफ से अभी कैलाली एरिया में 5 नए बॉर्डर पोस्ट को भी खड़ा कर दिया गया है। यूपी की बात करें तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का लगभग 105 किलोमीटर का बॉर्डर है और इसमें ज्यादातर हिस्से ऐसे भी है जिनको कभी नापा नहीं गया था और वहां पर जो पिलर थे उनमें से 20 से 30% पिलर को नेपाल के लोगों ने अभी हटा दिया है, क्योंकि वहां पर खेती करते वक्त कभी कभार ये टूट जाया करते हैं या फिर मिसप्लेस भी हो जाते हैं। अब ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि नेपाल के साथ हमारा कोई भी स्पेसिफिक बॉर्डर लाइन नहीं है और वहां पर कोई टेंशन भी क्रिएट नहीं होता था और भारत का या फिर नेपाल का कोई भी सिटीजन आराम से बॉर्डर के इस पार से उस पार जा सकता है। लेकिन अभी केपी ओली की सरकार ने जो नया इशू क्रिएट कर दिया है, अगर ये सही तरीके से क्लियर नहीं किया जाता है तो नेपाल और भारत का रिलेशन काफी खराब होने वाला है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी भारतीय नेपाल को बुरा भला कहे या फिर नेपाल के लोगों को बुरा कहे, पर यह सारा परसेप्शन अभी नेपाल की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, दोस्तों अगर आपको ये सवाल किया जाए कि आखिरी बार कब भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में गोली फायर किया गया था या फिर जंग हुआ था, तो आप सब या तो 1962 की बात करेंगे या फिर 67 की बात करेंगे।
आमतौर पर 67 की बात की जाती है क्योंकि 62 की जंग के बाद जब 67 में इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच मुठभेड़ हुआ था तो उसमें भारत के करीब 80 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और चाइना के 400 के करीब जवान शहीद हुए थे या फिर उनकी भाषा में लैशी हो गए थे। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था जब इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच बुलेट एक्सचेंज किया गया था। इस हादसे के 8 साल बाद इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच एक और मुठभेड़ हुआ था जिसमें हमारे 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और ये कोई बहुत बड़ी एंगेजमेंट नहीं थी जिस वजह से ये बात कभी सामने नहीं आया था। चाइना के लिए अपॉइंट हुए हमारे एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा रॉय जी ने अभी ये बताया कि 20 अक्टूबर 1975 को चाइनीज आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी के एक छोटे से पेट्रोल यूनिट के ऊपर घात लगाकर फायरिंग किया गया था। ये सारे एक्शन अरुणाचल प्रदेश की तुलुंगला एरिया में हुआ था जब चाइनीज आर्मी की एक पूरी प्लाटून लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके 500 मीटर तक इंडियन टेरिटरी में घुस आए थे और वो घात लगाकर पत्थर के पीछे छुपे बैठे थे और उसके बाद उन लोगों ने अचानक से इंडियन आर्मी की पेट्रोल यूनिट के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया था। उस पूरी पेट्रोल यूनिट में बस 6 ही लोग मौजूद थे जिनमें से 4 लोगों ने मुठभेड़ के दौरान फॉरवर्ड पोजीशन लिया था लेकिन वो नहीं बच पाए थे। अब इस बात को लेकर तब चाइना के साथ बातचीत करने की कोशिश भी की गई थी लेकिन चाइना ने उल्टा भारत पर इल्जाम लगा दिया कि इंडियन ट्रूप्स की तरफ से उन पर पहले फायरिंग किया गया था। अगला अपडेट भारत, चाइना और पाकिस्तान को लेकर है। सिप्री की 2020 ईयरबुक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास भारत के मुकाबले काफी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। सिप्री की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास अभी 320 के आसपास न्यूक्लियर वॉरेंट मौजूद है और पाकिस्तान के पास करीब 160 न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। वहीं पर भारत की बात करें तो हमारे पास 150 के करीब वॉरेंट मौजूद है। पिछले साल की रिपोर्ट की बात करें तो 2019 में चाइना के पास 290 न्यूक्लियर वॉरेंट मौजूद थे, पाकिस्तान के पास 150 से 160 और भारत के पास 130 से 140 वॉरेंट मौजूद थे। पिछले कुछ सालों में चाइना अपनी न्यूक्लियर वेपन को काफी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और अभी वो अपनी न्यूक्लियर ट्रायड को पूरी तरीके से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर दुनिया भर की सभी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री की बात करें तो सभी के पास कुल मिलाकर 13,400 वॉरेंट मौजूद है। इनमें से लगभग 90% रशिया और यूएस के पास मौजूद है। रशिया के पास लगभग 6,375 और यूएस के पास 5,800 वॉरेंट मौजूद है। 2020 में टोटल न्यूक्लियर वॉरेंट की जो संख्या थी वो थोड़ी सी घटी थी क्योंकि 2019 में पूरे दुनिया भर में टोटल 13,865 वॉरेंट मौजूद थे जो कि 2020 में घटके 13,400 तक आ गई थी और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि रशिया और यूएस की तरफ से अपने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट कर दिया गया था। पर चाइना अभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, साथ ही पाकिस्तान को भी करने में मदद कर रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।